हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए बहुत क्विक एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि सब कोई बना के खा सकता है। तो इजी रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, ताकि सभी लोग इसको बना के खा सके। और ये हम लोग बनाएंगे आज दो चीज़ों से। तो चलिए देखते हैं मैं आज क्या बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पटाटो पोहा या आलू की पोहा। तो यहाँ पे पहले हम लोग कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद इसमें ऐड करेंगे ऑयल 2 चम्मच। ऑयल गरम होने के बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज को हल्का सा भून लेंगे। 1 चम्मच देंगे सरसों, काला सरसों। और इसी टाइम आप लोग यहाँ पे करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं है तो वो भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मसाला ऐड करेंगे। मसाला में मैं ले रही हूँ कुछ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और मिर्चा पाउडर अपने हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे मसाला हम लोग का भून चुकी है। इसमें ऐड करेंगे कटी हुई आलू। तो आलू को देखिए इस तरह से छोटे छोटे क्यूब के साइज़ में कट करेंगे, ताकि ये आलू हम लोग का जल्दी पक जाएगा। तो अच्छा से मसाला के साथ आलू को मिक्स कर लेंगे। अभी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसको थोड़ा देर ढक्कन लगा के कुक करेंगे, जब तक ये हमारा आलू जो सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद चेक करेंगे हमारा आलू पक गया है कि नहीं। ये रेसिपी बनाने में फ्रेंड्स 10 से 15 मिनट लगता है। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है ये आलू। देखिए और थोड़ा सा कुक करेंगे, थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे और 2-3 मिनट। 2-3 मिनट के बाद देखिए हमारा आलू बहुत अच्छे से पक चुका है। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है। इसमें ऐड करेंगे पहले से मैं भिगो के रखी थी पोहा, मतलब इसको धो के अच्छे से। और देखिए अच्छे से भीग चुकी है पोहा भी, इसको ऐड कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे पोहा को चूड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते बताइएगा। तो ये चूड़ा या पोहा ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी को हल्का मीठा पसंद है तो आप ऊपर से थोड़े से चीनी भी दे सकते हैं। तो थोड़ा देर भून लेने के बाद हमारा पोहा रेडी हो गया है, पटाटो पोहा। अभी सर्व कर लेते हैं। इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप लोग ज़रूर बनाइए और खाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग के कैसे लगा। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत।